तो आपको पता ही मैं रिकॉर्डर का मैंने बताया था 10 ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं 2 क्लिप्स बनाता हूँ, तो फिर एडिटिंग करने में भी करता हूँ तो वो हैवी हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाता है। थोड़ा धीरे चलाएगा लैपटॉप क्योंकि मैंने अभी ऑन किया है ना। मैंने हमने आज तक डिस्कस कर दिया था, एक ये भी रहता था, तो ये भी आपको बता देता हूँ आपको। ये जैसे मैंने इसमें ये पावर पॉइंट में क्या सब दिखाऊंगा अभी आप, तो पहले हम ये वाले पे चलते हैं। और मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि मैं सारे कलर्स को डालूंगा, ये कलर्स को मैं नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि उसमें पता नहीं क्या एरर है। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली, कोशिश में थे पर डले नहीं थे, तो ये वाला भी ट्राई करते हैं। तो उसका मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ, पहले आएगा इसका FD 150। ठीक है, हो गया आधा बन गया। ये वाला पोर्शन इसका सारे पोर्शन, ये वाला पोर्शन वाला हो गया अभी सारा है। और अब है FD 120 FD। तो फिर है FD 150। मैंने गलत कर दिया, FD 130 था। तो अब इसको हम CS करेंगे और CD करेंगे, FD 150 RT 120। ठीक है, FD 150 जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा या फिर एंटर करूंगा तो ये बड़ा बन जाएगा। तो अगर आपको छोटा दिखता है तो मैं बड़ा कर दूंगा। धीरे धीरे मैं अपनी वीडियो फेस कैम के साथ भी लाऊंगा, तो अभी इसमें फेस कैम के लिए थोड़ा भी इसमें मैं ठीक कर रहा हूँ, इसमें कुछ एरर आता है इस रिकॉर्डर में फेस कैम करने के लिए। तो ये हमारा बन गया। अच्छा, अब इसका HD कर देते हैं। इसको अब HD है, तो भी HD हुआ हुआ है। तो अब हम अगले वाले पे चलते हैं। तो और अब है ये ट्रायंगल कर लिया था, अब हम करते हैं स्टार। पहले मैंने आपको बोला था हेक्सागन करना है, तो ये रहा हेक्सागन और ऑक्टागन। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं करता है। जब एडिट करता हूँ ना तो फिर उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती, मेरा भी सबसे उसमें कुछ एरर है। तो अब इसका है रिपीट 6, तो 6 बार रिपीट करना है, 6 बार रिपीट करना है MD RT 60 को। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे FD, तो उसमें FD 200। तो आपको मैं दिखाऊंगा अगर आखिरी में इसका सारा, जैसे ये है पहले हेक्सागन बन रहा है, तो फिर RT 60 कर देते हैं। तो हमने अभी एक पार्ट इसका कर लिया है, तो अब है दूसरा पार्ट है 200। अब बस हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप करते हो तो बस आप इसको एंटर मारो, फिर ये एंटर मारो, फिर
एंटर मारा, फिर ये एंटर मारा, ये एंटर मारा, फिर ये एंटर मारा और हो गया। तो भी हम आपको दिखाते हैं रिपीट का तरीके में कैसे बनाते हैं। सी एस और मैं उसकी कमांड डाल देता हूँ रिपीट, फिर आपको लग रहा होगा बना नहीं होएगा क्योंकि बस मैंने सी एस करा, क्लीन करने के बाद ऐसे हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बस सी एस डालता हूँ और मैं ये डालता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर मार रहा हूँ। तो उससे ऐसा बनता है, बहुत फास्ट मेथड होता है। तो आज हम एक नई चीज भी सीखते हैं। चीज पता है क्या है? अभी हेक्सागन ऑक्टागन रहता है, ऑक्टागन ये हेक्सागन बनाया था क्या? हेक्सागन हम रहेगा ऑक्टागन। उसके साथ आप देख रहे हो ना, मैंने ये एलिप्स सीखेंगे, एलिप्स और ये भी उसका, ये भी सीखेंगे। ये इसका प्रोसीजर भी होता है, प्रोसीजर वाइज भी आपको सिखा दूंगा। तो ये लाइन जब मैं लाइन बना करने की थी, पहले मैंने एक बार किया, फिर मैं दूसरी बार किया, मैं तीसरी बार किया, पर हमेशा ये देखिए मैं अपना कर्जर हटाना भूल जाता था, इसलिए हमेशा मैं भूल जाता था, पढ़ देता। और तो ये सारा जो भी मैं कर रहा हूँ सारा आपको मैं छोड़े, अभी मैं पावर पॉइंट की भी सीरीज लाऊंगा। अभी ये है, ये सीरीज है एमएस डब्ल्यू लोगों की। तो अब हम एलिप्स स्टार्ट करते हैं, फिर ये, अरे अभी ये सिलेंडर, ये सब है सगन। पहले हम सारी शेप्स करेंगे, फिर हम करेंगे, आज सारी शेप्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अभी हम ये करेंगे ऑक्टागन। ठीक है, तो हम इसे सी एस कर देते हैं और सी डी। तो इसका है रिपीट 8 टाइम्स, एफ डी 150 और आर टी 150। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एफ डी अगर हम करेंगे एफ डी 150 आर टी 5। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो आप आराम से इसे डालो, फिर तो डालो, फिर तो ये 8 टाइम्स हो गया मेरा। तो अब हम इसको रिपीट तरीके से करते हैं, 8 अगर रिपीट है 150 और आरटी 45, फिर स्पेस करके ऐसे कर दो। तो फिर अगर मैं एंटर मारूंगा तो फिर होल्ड बन जाएगा ये, तो उसकी जगह पे ही रहता है, घूम फिर के दोबारा से उसी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली शेप पे। अगली शेप है सिलेंडर, एक बनाए थे पहले वाली वीडियो में, और अभी एक ये भी है, ये भी है। स्टार्स पर एक ही कमांड में बना सकते हैं, जो हम टाइप करते हैं और स्टार और ये सब। ठीक है, ये सब बनाएंगे जो हमें बनाना है सब आपको। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार से। ठीक है, तो एक स्टार होता है लाइन वाला है, जो बिन लाइन वाला है, और ये स्टार है बिना लाइन वाला। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, पर इसमें होता क्या है कि लाइन इसमें हमें लाइन दिखती नहीं है, जिसमें हमें लाइन दिखती नहीं है और इसमें हमें लाइन दिखती है। लाइन लाइन स्टार है लाइन वाला, और ये है स्टार नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं लाइन स्टार से। तो रिपीट 5 मतलब 5 बार रिपीट करना है। तो एक से ये बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें है एफ डी रिपीट 5 टाइम्स करना है, तो 5 टाइम्स अगर हम
तो मैं रिकॉर्डर में दोबारा से एरर आ गया था, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था कि रिपीट 5 टाइम्स, अगर 200 को हम 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 200, 400, पहले 400, ठीक है, फिर 600, ठीक है, 800, ठीक है, फिर 1000, फिर 1200, 1200 हो जाएगा। तो अगर मैं FD, अगर मैं डालू FD 1200 RT, ये मगर मैं ये बस ये वाली कमांड डालू, तो डाल के देखते हैं एक बार। तो अगर मैं ये है इसको मैं 1200 कर दू, तो फिर FD था इसमें, FD 200 RT 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइड बाय 5, तो देखते हैं। तो हम जो होते हैं इसकी तरफ, तो अब हम इसकी कमांड आप समझ आ गई। तो अब हम इसका है वो करते हैं, वो पता नहीं ऐसे शोर मचता रहता है बाहर से, वो आती है आवाज। तो ये बन गया स्टार हमारा। और अगर आपको इसमें स्टार, अगर आपको इसके ये लाइन इसको हाइड करनी है, तो आप इसको HT भी कर सकते हो, तो लाइन्स हट जाएगी, ठीक है। तो हम अगर इसको लाइन स्टार बना देते हैं, मैं आपको भी एक अब है लाइन स्टार, उसमें रिपीट 5, FT 100, RT 140, FD 100, RT 144, इसको रोटेट करने की ये पूरा, फिर ऐसे स्टार बन जाएगा प्रोसीजर। तो मैं आपको बता रहा था कुछ दोबारा से एरर हो गया था, गलती से दोबारा क्लिक हो गया। तो FD 100 5 टाइम रिपीट करनी है, RT 144, FD 100, LT 70। ये थोड़ी दिमाग लगाने वाली है, हमें FD 500 और FD 100 और RT 144, FD 100 और LT 72, ये सबको प्लस करना है। तो प्लस नहीं, सबको समझना है, ठीक है। तो सबको रिपीट होएगा ये 5 टाइम्स, 100 रिपीट होएगा 5 टाइम्स, 500, 144 होएगा, तो लेटर पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। 144 मल्टीप्लाइड बाय 720 और 100 होगा, तो 500 और 72 डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो अब हम इस कमांड को डालते हैं, रिपीट कमांड का अगर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे रिपीट बाय FD 100, LT 72, FD 100, RT 144, कर देना है एंटर। तो ये बन गया हमारा, क्लीन भी हो गया और हमारा वो आ गया। तो कमांड में दोबारा से डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो ये कमांड है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जूम का है ही। अच्छा रेडियो और कर देते हैं, ठीक है।
हो गया, ये स्क्वायर फुट सिंपल है, ये आपको रिपीट फोर एमपी हंड्रेड आरटीएन ठीक है, बहुत सिंपल है। ये सारी जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा हो जाता है तो पूरा डिस्क्रिप्शन भर जाता है। तो अब ये तो सिंपल है, ये आप कर सकते हो, ये वाला कर देते हैं रिपीट है रिपीट फोर एफ डी हंड्रेड। तो हम ये सब कमांड के एक एक पार्ट निकाल के करेंगे ठीक है। यस ठीक है, तो ये कमांड है रिपीट एट टाइम, एट टाइम रिपीट करना है रिपीट फोर को एफ डी हंड्रेड आर टी नाइन एफ डी हंड्रेड आर टी नाइन। आप इसमें चाहे तो आप ये डाल सकते हैं या फिर नहीं डालो तो नहीं डाल सकते, तब भी वर्क करेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो डालोगे, दोनों में वर्क करेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं हटाऊंगा तब भी वर्क करेगा नहीं। पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ठीक है। यस सी चलो अगली शेप क्या है, ये क्यूब हो गई थी, सिलेंडर करते हैं रिपीट 70 टाइम। अगर आपको छोटा करना है सिलेंडर को तो हम आज एक नई चीज सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो वो अगली वीडियो में सीखेंगे। रिपीट 70 टाइम्स रिपीट करना है ठीक है, 70 टाइम रिपीट करना है एफ डी टू रिपीट 360 एफ डी टू आर डी वन, मतलब हमें रिपीट 70 टाइम करना है एफ डी टू को, ताकि ये यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनेगा हल्का सा आगे करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा अलग बनाना है तो मैं आपको अलग बनाने के लिए भी दिखा देता हूँ। फिर मैं ये अगर आपको बड़ा बनाना है ना तो आप रिपीट 100 भी कर सकते हो, करोगे तो ठीक है। बड़ा बनाना थोड़ा छोटा था पर ये बड़ा बना, तो इसका कलर ब्लैक आ रहा है। मैं यहाँ पे सेट पे जाके पेन कलर पे जाके हमने इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ ठीक है। तो अगर आपको इसको छोटा बनाना है तो आप इसका यहाँ से रिपीट ही कम करना है बस आपको। मैं इसको कर लेता हूँ 70 जैसा था, तो ये बेटा यहाँ पे लगाना है कहीं भी, अगर आप रिपीट लगाओगे तब भी होएगा ठीक है। अब छोटा बना थोड़ा, तो अगर हम इसको एफ टी जगह करते हैं 5 तो देखते हैं। अरे तो ये देखा आपने तो बन रहा है। तो अगर आपको उसमें और गैप तो नहीं दोगे, तो अगर मैं इसको 10 पे करूँ तो क्या दिखेगा देखते हैं। वो एक रिंग आती है ना कोई खेलने वाली, रिंग का मेरे को नाम नहीं पता, वो एक होती है जिससे ऊपर नीचे करते हैं, वो वाली रिंग वैसी लग रही है एकदम, वो कलरफुल होती है। तो अब शायद से सारी चीजें हो चुकी है, ये भी कर लिया था ये भी कर लिया था। अरे अब हमें एक नई चीज पेन नहीं, नहीं आज की वीडियो में तो ये देखिए सारे मैंने डिजाइन बताए हुए, तो मैं भी आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा था। हाउस बनाना है मैंने, यहाँ पे क्लॉक बनाई है, ये क्लॉक वाला है, ये मैंने बनाया था हार्ट बनाया, तो ये रेनबो भी है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रेनबो बनाना। रेनबो बनाने के लिए ये सारी कमांड तो मैं आपको चैट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगा, ये वाली ये अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो के मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो हैशटैग आस्क करके ठीक है। हैशटैग आस्क नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।